स्टूडेंट्स, जिनको ह्यूमन एवोल्यूशन को याद रखने में दिक्कत होती है, आज ये जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं। पूरा का पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन कभी नहीं भूलोगे अगर इस ट्रिक को समझ लिया तो। साथ ही बच्चों, इस ट्रिक में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं। ध्यान क्या रखना आपको, डॉक्टर राम गए ऑस्ट्रेलिया, हनुमान और जावामैन को नींद से जगाया, कौवे को इंसान बनाया, भाई श्री राम गए हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी का तो उद्धार होगा, तो कौवे का उद्धार हो गया और उसको क्या बना दिया, इंसान बना दिया, यानी कि ह्यूमन बना दिया। कौवे को क्या बोलते हैं, क्रो, तो क्रो को क्या बना दिया, ह्यूमन बना दिया, क्रो को ह्यूमन बना दिया। डॉक्टर राम गए ऑस्ट्रेलिया, हनुमान और जावामैन को नींद से जगाया, क्रो को इंसान बनाया, क्रो को ह्यूमन बनाया। ऑलराइट, चलिए इसको ड्राइव करते हैं। बच्चों, ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, यानी कि हमारे ह्यूमन लीनेज की जो स्टार्टिंग है, वो हम मानते हैं 15 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 15 मिलियन साल पहले हमारे एंसेस्टर्स की शुरुआत होगी थी। तो जो हम फर्स्ट एंसेस्टर हमारी एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग बोलते हैं, वो है ड्रायोपिथेकस। डॉक्टर से हो जाएगा आपका ड्रायोपिथेकस। पहले इन सभी के नाम लिख लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं बच्चों। राम से हो जाएगा बच्चों रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद हनुमान, हनुमान से हो जाएगा बच्चों होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। जावामैन का सिंपली जावामैन लिख दीजिए, जावामैन। बच्चों जावामैन के लिए आपको एक नाम और ध्यान रखना है, इसको पिकिंग मैन भी बोला जाता है। एक्चुअली वैसे तो दोनों अलग अलग हैं, पिकिंग मैन लोग अलग लोकेशन पे मिला था, वो चाइना में मिला था, जावामैन हमें जावा आइलैंड पे मिला था दोनों, लेकिन दोनों होमो इरेक्टस के अंदर आते हैं, बोथ आर होमो इरेक्टस। उसके बाद नींद, नींद से हो जाएगा बच्चों नियंडरथल, नियंडरथल। ये लीजिए, नींद से जगाया कौवे को, क्रो, क्रो से हो जाएगा क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन। इसको बच्चों होमो फॉसिलिस भी आप बोल सकते हो, और इसी से मॉडर्न ह्यूमन का विकास हुआ है, इंसान का विकास हुआ है, यानी कि हम हमारी लीनेज को क्या बोलते हैं, वी आर होमो सेपियंस और मॉडर्न मैन, होमो सेपियन सेपियंस। अब इनके बारे में देखो, एक चीज हमने समझ ली है, इस लीनेज को हमने समझ लिया भाई, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आई, उसके बाद रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, जावामैन, नियंडरथल, क्रो मैग्नन मैन एंड देन वी मॉडर्न मैन होमो सेपियंस। ओके, अब इनके बारे में कुछ एक दो दो पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों। ड्रायोपिथेकस का सिंपली आपको एक चीज ध्यान रख लेनी है, ये एप लाइक थे, बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर इनके थे, ठीक है, पेड़ों पे रहते थे और एप लाइक दिखते थे। रामापिथेकस मोर मैन लाइक, राम है भाई, रामापिथेकस श्री राम भगवान है तो मैन के जैसे दिखेंगे ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बस एक पॉइंट याद रखना है कि ये स्टोन वेपन्स का यूज करके शिकार करते थे, दे यूज स्टोन वेपन्स किस चीज के लिए, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। उसके बाद बच्चों आ जाओ होमो हैबिलिस के ऊपर। देखो होमो हैबिलिस कहां से बना है, हनुमान से, तो भाई हनुमान जी ऐसी वैसी चीजें तो खाते नहीं होंगे, ठीक है ना। पहली बात तो ये फ्रूट ईटर थे, ये कोई भी अनाप शनाप चीजें नहीं खाते थे, हनुमान जी सिर्फ शुद्ध शाकाहारी फ्रूट्स खाते थे, यानी कि ये थे फ्रूट ईटर, पहली बात।
हनुमान से याद रह जाएगा, फ्रूट ईटर थे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इनका ध्यान रखेंगे कि ये पहले ऐसे पूरी लिनेज में फर्स्ट होमोनिड फीचर, यानी कि इंसान के जैसे फीचर इन्हीं के अंदर दिखे थे, इसीलिए इनके आगे होमो लिखा हुआ है। इससे पहले बच्चों देखो किसी के आगे भी हमने होमो नहीं लिखा, तो फर्स्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट होमो का टैग किसको मिला, तो आप बताओगे होमो हैबिलिस को। तो इनको सबसे पहले फर्स्ट होमो का टैग मिला है, फर्स्ट टैग ऑफ होमो। इनको बच्चों फर्स्ट होमोनिड भी बोलते हैं। होमोनिड का मतलब ह्यूमन लाइक फीचर्स, सबसे पहले ह्यूमन लाइक फीचर्स इनमें देखने को मिले थे। अब देखो हनुमान जी हैं, इन्हें ये तो सारी की सारी कलाओं में पारंगत थे, हाथ का काम जानते थे, हाथ की कला जानते थे, तो ये टूल्स बना सकते थे। तो होमो हैबिलिस को बच्चों हम टूल मेकर भी बोलते हैं। तो हनुमान जी ने अपनी गदा बनाई हुई थी, वहां से ध्यान रख लोगे ये टूल मेकर थे। टूल मेकर को आप हैंडीमैन भी बोल सकते हो, टूल मेकर को आप क्या बोल सकते हो, हैंडीमैन, यानी कि हाथ की कला जानने वाले हैंडीमैन। ध्यान रखने का तरीका सिंपल है, हनुमान जी ने अपनी गदा बनाई थी अपने हाथों से, हैंडीमैन। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने लेने बच्चों। अब एक और छोटी सी चीज बताता हूं, इनके क्रेनियल कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि ब्रेन का जो वॉल्यूम था वो था बच्चों 650, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं 650 to 800 cc, ये थी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस की। अब आ जाओ जावा मैन पे, जिसका जिनके तीन नाम है ध्यान रखने हैं, जावा मैन ध्यान रखना है, पिकिंग मैन और होमो इरेक्टस आपको ध्यान में रखना है। अगर क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो आप बता दोगे 900 cc, ये बच्चों इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। और इससे अलग हुआ कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी का ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। आगे आओ नींद से क्या ध्यान रखोगे, नियंडरथल, नियंडरथल के बारे में बच्चों दो पॉइंट सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एक तो ये अपनी बॉडी को जानवरों की जो एनिमल की जो स्किन होती है उससे ढक के रखते थे, ठीक है, प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम हाइट्स, प्रोटेक्ट बॉडी By using animal hide, or simply you can say hide, because hide का मतलब animal skin होता है, protect body from hide। दूसरी बात ध्यान रखोगे कि ये इनके अंदर कुछ rituals थी बच्चों, ये कुछ धार्मिक विचारों के से थे, ये जब भी इनके किसी की death हो जाती थी तो ये उन मुर्दों को दबा देते, buried their dead, ये अपने मुर्दों को दबा देते, buried their dead, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्रेनियल कैपेसिटी अगर पूछी जाए नियंडरथल की तो बता दोगे आप 1400 या 1450 cc के आसपास थी मेरे ख्याल से। नींद, उसके बाद क्रो मैग्नन मैन जिसको होमो फॉसिलिस बोलते हैं, और कुछ ध्यान नहीं रखना है होमो फॉसिलिस के बारे में, बस इनका नाम ध्यान रखना है। और इनसे बना होमो सैपियन। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि होमो सैपियन यानी कि हम ह्यूमंस, हमारा हम डायरेक्ट किससे विकसित हुए हैं, तो आप बताओगे क्रो मैग्नन मैन से विकसित हुए हैं, क्योंकि हमसे पीछे इन्हीं का नाम आ रहा है, ठीक है। होमो सैपियन के बारे में बच्चों एक दो पॉइंट और ध्यान रखोगे आप कि मॉडर्न मैन इनको बोलते हैं, और इनका विकास कब हुआ है, आज से 75,000 to 10,000 years ago इनका विकास हुआ बच्चों। और आपसे अगर पूछा जाए कि ह्यूमन का ओरिजिन कहां पे हुआ है, तो आप बताओगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मॉडर्न जो ह्यूमन है इसका ओरिजिन आप बताओगे अफ्रीका, ठीक है बच्चों। ये जो टाइम था 75,000 से 10,000 का, इसको बच्चों आप आइस एज से भी बता सकते हो कि आइस एज के अंदर होमो सैपियन का विकास हुआ है, आइस एज ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, इसके बाद दो पॉइंट और बता रहा हूं बच्चों। एक तो आपसे पूछा जाता है इसी कॉन्सेप्ट पे है कि जो केव पेंटिंग है, दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग कर देते थे पुराने टाइम में, उसका पता कब चला, तो केव पेंटिंग का पता चला यहां पे लिखते हैं केव पेंटिंग का पता चला बच्चों आज से 18,000 साल पहले, मतलब कि 18,000 साल पहले लोगों ने केव पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, दीवारों पे ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दी थी। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हमें जो प्रूफ मिले हैं उसके हिसाब से हमें पता चला कि आज से 10,000 years ago
ठीक है। सो आई थिंक बस इतना सा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन अब आपका स्किप नहीं होने वाला है। और अगर ऐसी ही ट्रिक आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।